दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो या नहीं आते हो, लेकिन कमाते हैं तो हर साल समय पर इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR जरूर भरें। खुद से भरने में दिक्कत आ रही हो तो किसी CA या टैक्स सलाहकार की मदद ले, लेकिन ITR जरूर भरें। समय पर ITR भरने के कई फायदे हैं। इस एपिसोड में आगे हम आपको ITR भरने के 9 महत्वपूर्ण फायदे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम 9 फायदे आपको गिना देते हैं, उसके बाद हम हर एक फायदे की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो पहला फायदा है वो है ज्यादा चुकाए एडवांस टैक्स का रिफंड मिलेगा। दूसरा है कटा हुआ TDS रिफंड होगा। तीसरा है बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। चौथा है वीजा हासिल करने में मददगार साबित होगा। पांचवा है कारोबारी मौके दिलाने में मददगार साबित होगा। छठा है जुर्माना और सजा से बचाव हो सकेगा आपका। सातवां है इनकम और एड्रेस प्रूफ का काम करता है ITR। आठवां है राष्ट्र निर्माण में सहयोग आप कर सकेंगे ITR भर के। और नौवां है नुकसान को समायोजित यानी सेट ऑफ करना और लॉस कैरी फॉरवर्ड यानी नुकसान को आगे ले जाने का फायदा। अब हम बारी बारी से इन 9 फायदों की चर्चा करते हैं। तो पहला फायदा की बात हम कर लेते हैं। अगर आपने सरकार को एडवांस टैक्स के रूप में अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप ITR फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। 15 जून या उससे पहले कुल संभावित टैक्स देनदारी का 15% एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होता है। 15 सितंबर या उससे पहले तक कुल संभावित टैक्स देनदारी का 45% एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होता है। 15 दिसंबर या उससे पहले कुल संभावित टैक्स देनदारी का 75% एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होता है। और 15 मार्च या उससे पहले कुल संभावित टैक्स देनदारी का 100% यानी कुल टैक्स देनदारी एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होता है। अगर आपने ज्यादा टैक्स चुका दिया है एडवांस में तो आप ITR भर करके वापस ले सकते हैं। ITR भरने का दूसरा फायदा, अगर आपका TDS कटा है तो ITR में उसकी जानकारी देकर कटे हुए TDS का रिफंड ले सकते हैं। आमतौर पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हिंदी में स्रोत पर कर कटौती कहते हैं। अलग अलग तरह के इनकम स्रोतों जैसे सैलरी, FD या म्यूचुअल फंड जैसे किसी निवेश पर मिला ब्याज या रिटर्न, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज इत्यादि पर काटा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी TDS कटता है। तो ITR भरकर आप कटी हुई TDS रकम को वापस पा सकते हैं। पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्था पर TDS भरने की जिम्मेदारी होती है, इन्हें डिडक्टर कहा जाता है। और जो व्यक्ति टैक्स काट के भुगतान प्राप्त करता है उसे डिडक्टी कहा जाता है। TDS के रूप में काटी गई रकम को सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है। हर डिडक्टर को TDS सर्टिफिकेट जारी करके यह बताना भी जरूरी है कि उसने कितना TDS काटा है और सरकार को जमा किया है। अब जो तीसरा फायदा है, तो बैंक से आसानी से लोन मिलता है ITR भरने पर। लोन देते समय बैंक लोन के लिए आवेदन करने वाले और उसके गारंटर से ताजा ITR मांगते हैं। ITR से बैंक लोन आवेदक के इनकम स्रोत के बारे में सही सही अंदाज लगा पाते हैं। ITR जमा करने पर लोन आवेदकों को होम या ऑटो लोन काफी आसानी से मिल जाता है। चौथा फायदा ITR भरने के, विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार होता है ITR। ज्यादातर दूतावास यानी एम्बेसीज और वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट्स वीजा आवेदक से पिछले 2 साल का ITR मांगते हैं। ITR देने वाले आवेदक के वीजा आवेदन की मंजूरी तेजी से मिलती है। ITR भरने के पांचवा फायदा, कारोबारी मौके दिलाने में मददगार होता है ITR। अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी है और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। छठा फायदा, समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने और सजा से बचेंगे। समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा बिना भुगतान वाले इनकम टैक्स पर अतिरिक्त 1% टैक्स देना पड़ सकता है। आयकर विभाग दाखिल करने की तारीख की नियत तारीख से भुगतान किए जाने वाले कर पर जुर्माना लगा सकता है। साथ ही करदाता को 3 से लेकर के 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
आईटीआर भरने के सातवां फायदा, इनकम और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम आता है आईटीआर। कई जगहों पर इनकम और एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, ऐसे में आप अपना आईटीआर दे सकते हैं। आठवां फायदा, राष्ट्र निर्माण में सहयोग देकर गर्व महसूस करना। आप जो इनकम टैक्स देते हैं उसका इस्तेमाल राष्ट्र के निर्माण में किया जाता है। सड़कें, पोर्ट, रेल मार्ग जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में इनकम टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है, जिससे कि राष्ट्र का विकास होता है। जब आपके लिए सरकार ये सारी सुविधाएं देती है तो आपको कितनी खुशी होती है, आपको काफी फायदा भी होता है और देश के विकास की रफ्तार भी बढ़ती है। आईटीआर फाइल करने का नौवां फायदा, किसी घर, दुकान, जमीन, जेवर, शेयर, बॉन्ड के बेचने से हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को अपने किसी दूसरे घर, दुकान, जमीन, जेवर, शेयर, बॉन्ड के बेचने से हुए पूंजीगत लाभ यानी टैक्सेबल कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ या एडजस्ट या समायोजित कर सकते हैं। ऐसा आप संबंधित आईटीआर फॉर्म भरकर कर सकते हैं। इस बारे में एक बात और ध्यान देने की है, आपको अगर जिस वित्त वर्ष में कैपिटल लॉस हुआ है और उस वित्त वर्ष के लिए उस लॉस को गेन्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हैं तो चिंता की बात नहीं है। आप अगले कुछ वित्त वर्ष के लिए आईटीआर भरते समय भी उस लॉस को गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसे लॉस कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, यानी अपने नुकसान को आगे किसी लाभ के साथ समायोजित कर सकते हैं। कैपिटल लॉस को कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ या एडजस्ट या समायोजित करने का मतलब आसानी से समझे। एक वित्त वर्ष में आपकी कितनी इनकम हुई है इसके आधार पर आपको इस पर टैक्स देना होता है। कुल आमदनी निकालने के लिए आपकी सभी तरह की इनकम को देखा जाता है। इन सभी इनकम में सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी आदि इनकम को शामिल किया जाता है। हालांकि कुछ मामले में आपको लॉसेस यानी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है जो कि किसी भी हेड से संबंधित हो सकते हैं। जैसे आपको एक बिजनेस से नुकसान हो रहा है और दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट होता है, तो इस तरह के केस में आप इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करके अपनी नेट इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें आप अपने नुकसान को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके सेट ऑफ करने के कुछ रूल्स अलग होते हैं। बिजनेस, सोना, सोने की ज्वेलरी, घर, दुकान, प्लॉट, शेयर जिसमें इंट्राडे भी शामिल है, से हुए नुकसान को आप इनसे होने वाले फायदे से सेट ऑफ और लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हालांकि लॉटरी, गेम्स, हॉर्स रेस, क्रिप्टो करेंसी आदि से अगर आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो इस तरह के लॉसेस को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए, मान लिया आपने किसी वित्त वर्ष में दो घर बेचा, एक के बेचने पर आपको 5 लाख रुपए का लॉन्ग कैपिटल लॉस यानी दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान हुआ है और दूसरे को बेचने पर 10 लाख रुपए का लॉन्ग कैपिटल गेन्स यानी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हुआ है। मान लीजिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर आपकी टैक्स देनदारी 5 लाख बनती है, तो उस वित्त वर्ष का आईटीआर भरते समय एक घर के बेचने पर 5 लाख रुपए का जो दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान हुआ है उसको दूसरे घर पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 5 लाख रुपए की टैक्स देनदारी के साथ एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। और जब आप एडजस्ट करेंगे तो आपकी टैक्स देनदारी 0 हो जाएगी। लेकिन जब आईटीआर भरेंगे तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं और जो संबंधित आईटीआर है उसके भरने पर ही ऐसा संभव है। या फिर अपने कैपिटल गेन्स में से कैपिटल लॉस को घटा दें और ऐसा करने पर जो रकम बचती है केवल उसी पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिस वित्त वर्ष में आपको कैपिटल लॉस हुआ है उसी वित्त वर्ष के कैपिटल गेन्स से एडजस्ट कर सकते हैं, बल्कि आने वाले कुछ वित्त वर्ष में हुए दूसरे कैपिटल गेन्स के साथ भी आप उस कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब है सेट ऑफ या लॉस कैरी फॉरवर्ड करते वक्त दो बातों का जरूर ध्यान रखें। कैपिटल लॉस को सिर्फ कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है, दूसरे किसी स्रोत से हुई आमदनी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं। जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई नुकसान होता है तो वह इस नुकसान को सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकता है, जैसे इंट्राडे के नुकसान को सिर्फ इसी तरह के लेन देन से हुई इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी दूसरे बिजनेस से हुई इनकम से नहीं। आपको बता दूं कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए डेरिवेटिव ट्रांजेक्शनों को स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम नहीं माना जाता है। प्रॉपर्टी बेचने में हुए नुकसान को आने वाले वर्षों में एडजस्ट करना, अगर आप किसी साल के कैपिटल लॉस को उसी साल के कैपिटल गेन्स में एडजस्ट न कर पाए
तो इसे बाद के वर्षों में भी, जिसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, किया जा सकता है। यह सुविधा शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस दोनों के साथ आपको मिलती है। आवासीय संपत्ति यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से हुए कैपिटल लॉस को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट किया जा सकता है। बिजनेस प्रॉपर्टी से हुए कैपिटल लॉस को अगले 4 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट किया जा सकता है। शेयर बाजार से हुए कैपिटल लॉस को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट किया जा सकता है। इस मामले में एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर आपकी किसी ऐसे सोर्स से इनकम होती है जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे सोर्स से होने वाले नुकसानों को किसी भी टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है, इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होने वाले लॉसेस को किसी भी दूसरे टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने जाना कि टैक्स के दायरे में नहीं आने के बावजूद अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से 9 फायदे मैंने आपको गिनाए हैं। तो आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।